हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। देश को झंझोर कर देने वाला श्रद्धा केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पकड़े हुए आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए बारीकी से तहकीकात कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम जंगल जंगल कूड़े के ढेर खंगाल रही है। श्रद्धा का सिर बरामद करने के लिए पुलिस दिल्ली के छत्रपुर एनक्लेव का तालाब भी खाली करा रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा केस की तह तक जाने के लिए आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। केस से जुड़ी एक एक कड़ी भी जोड़ रही है। इस मामले में हर रोज कुछ न कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि आफताब ने श्रद्धा के निधन के बाद मुंबई के वैसे ही से कुल 37 सामान दिल्ली मंगवाए थे। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर गुजलक पैकर्स एंड मूवर्स से जुड़े गोविंद यादव को तलब किया और पूछताछ की। नयनगर थाने में दिल्ली पुलिस की टीम ने गोविंद यादव से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा वॉल्कर की 18 मई को जान ली, करीब 18 दिन बाद 5 जून को सामान मुंबई से दिल्ली मंगवाए थे। दिल्ली पुलिस को इसकी रिसिप्ट भी मिल गई है। दिल्ली पुलिस को मिली रिसिप्ट 5 जून की है। इसमें कुछ 37 आइटम नाम है जिन्हें मुंबई के वैसे ही से दिल्ली लाकर आफताब को दिया गया। बताया जाता है कि ये सामान श्रद्धा वॉल्कर के जान लेने के आरोपी उनकी जान लेने वाले आरोपी लेवन पार्टनर आफताब ने मंगाए थे। रसीद भी आफताब के नाम की है। रिसिप्ट से साफ है कि ये सामान आफताब ने श्रद्धा की जान मंगवाए थे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद बाहर आए गोविंद यादव ने कहा कि आफताब ने ये सामान मंगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। उन्होंने कहा कि आफताब ने जब बुकिंग कराई तब हम गांव गए थे। गोविंद ने कहा कि आफताब का सामान दूसरे कर्मचारियों ने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि आफताब की बुकिंग से जुड़े सभी दस्तावेज हमने दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं। गोविंद यादव ने मीडिया को ये भी बताया कि आफताब ने जो सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कराए उनमें क्या क्या था। गोविंद के मुताबिक आफताब ने जो सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कराए थे वे सभी घरेलू सामान थे। आफताब के सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कराने वाली पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी से जुड़े गोविंद यादव ने ये भी दावा किया कि सामान दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी आफताब से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है।